हेलो, वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ में इंग्लिश रीडर का आज हम टू चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड टू चैप्टर्स इन लास्ट क्लास, एट लास्ट क्लास, टिल लास्ट क्लास सॉरी। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, द रेट्स एंड द एलिफेंट्स, यानी एक छुआ और एक हाथी की कहानी। समरी ऑफ द पोइम, एक पोइम दे रखी है। इन दिस चैप्टर देयर इज अ स्टोरी ऑफ रेट एंड एलिफेंट। इस चैप्टर के अंदर रेट और एक एलिफेंट की स्टोरी है। द ग्रुप ऑफ रेट्स, मतलब छुओं और हाथियों की कहानी है। द ग्रुप ऑफ रेट्स लाइव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट, यानी एक छुओं का जो ग्रुप है वो बड़ी खुशी से जंगल में रहता था जो भी। द एलिफेंट्स पास्ड थ्रू द एरिया वेयर द रेट्स लाइव्ड इन सर्च ऑफ वाटर। एक बार हाथी है जो एक एरिया पार कर रहे थे जहाँ रेट्स क्या ढूंढ रहे थे, जहाँ सर्च ऑफ वाटर के लिए जहाँ छुए रहते थे, पानी खोजने गए हाथी वहाँ छुए रहते थे। मैनी होम्स ऑफ रेट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर द फीट ऑफ एलिफेंट्स एंड सम रेट्स वर किल्ड ऑल्सो। तो क्या हुआ, वो पानी की खोज में निकले, बीच में चूहों के घर थे, तो बहुत सारे चूहों के घर क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए और कुछ मर भी गए बेचारे। द किंग ऑफ रेट्स रिक्वेस्टेड द किंग ऑफ एलिमेंट टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर वे। उन्होंने बोला भाई आप सुनो यार, कहीं कहीं दूसरी जगह से जाओ यार, ये तो ऐसे तो हमारा घर उजड़ रहा है। द किंग ऑफ एलिफेंट एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट टेक अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रेट्स। उन्होंने उनकी हाथियों के राजा ने चूहों के राजा की बात मान ली और वो दूसरे रास्ते निकलने का सबको ऑर्डर दे दिया। मूछक राज वाज वेरी प्लीजेंट विद गजराज, मतलब मूछक राज जो चूहों का था वो बहुत ही अच्छे से पेश आया गजराज। द किंग ऑफ रेट्स प्रोमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन दे नीडेड। तो उन चूहों के राजा ने भी उनको बोला बड़ी प्लीजेंट तरीके से कि हम भी आपकी जब भी जरूरत पड़ेगी हम आपकी मदद जरूर करेंगे। वन डे व्हेन रेट्स वर प्लेइंग, एक बार चूहे खेल रहे होते, द हर्ड ऑफ अ लाउड क्राई टू एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, तालाब की दिशा से हाथियों के घर बोलने की आवाज आ रही थी। मूछक राज रियलाइज दैट एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, उनको ऐसा मूछक राज को ऐसा लगा कि हाथी जरूर कोई न कोई मुसीबत में है। मूछक राज रीच द पॉन्ड विद हिज हिम स्ट्रॉन्ग रेट्स, और वो वहाँ से सभी चूहों के साथ पूरी टोली के साथ निकले। दे सो द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप किप्ड बाई सम हंटर्स, मतलब सभी हाथियों को किसी शिकारी ने अपने जाल में फंसा रखा था। द रेट्स हेल्प द एलिफेंट्स, उन्होंने चूहों की हेल्प की। दे कट द रोप्स विद देयर शार्प टीथ, उन्होंने क्या किया, अपने नुकीले दांतों से उस रोप एंड रस्सी को काटा जो जाल था। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, और सारे हाथी फ्री हो गए। द एलिफेंट थैंक द रेट्स, और उन्होंने उनको धन्यवाद दिया और फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, और उनके छोटे होने का जो उनको लग रहा था कि इतने छोटे ये क्या हमारी कभी मदद करेंगे, ऐसी गलत सोच के बारे में भी उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। अब देखो इसमें किंग का मतलब एम्परर होता है, किल यानी टू मर्डर, फूट यानी ऑर्गन्स विच आर यूज टू मूव, और देयर का मतलब होता है बिलो, डिस्ट्रॉय टू डैमेज समथिंग बैडली वी कांट यूज, इन सर्च ऑफ का मतलब होता है टू फाइंड आउट एनी थिंग, एरिया का मतलब रीजन होता है, पास का मतलब स्पेंड और टू गेट अहिट एनी, और हर्ड का मतलब द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, फॉरेस्ट यानी जंगल, पेरेस एपिल यानी ग्लैडली, अगो एनी बिफोर, ब्रदर एनी सन ऑफ सेम पेरेंट्स, सिस्टर एंड डॉटर ऑफ सेम पेरेंट्स, यंगर एनी यंग बॉय या लेड, ओवरकम एंड टू सक्सीड, अफ्रेड यानी फ्राइटेंड, एंड टू एंड एंड इन एंड एंडिंग ईच अदर्स एंड बिलीवर्स, वन हु बिलीव डज बिलीव पीस काम ट्रुथ स्टेट ऑफ बींग ट्रू मेक टू कॉन्स्टेंट साइन टू लिसन समथिंग इन स्वीट वॉइस सम डे एनी डे, पोइट वन हु कंपोजेज द पोइम, टीचर वन हु टीचर्स या टीचेज होगा इसका, नो टू परकिना क्लियरली टूगेदर टू कम विद गिवन प्रोवाइड रिसाइट टू रिपीट अलाउड ट्रांसलेट टू एक्सप्रेस इन टू अनोदर लैंग्वेज बाई नियर असाइड या रेड एनी टू स्टडी रिक्वेस्ट एंड प्रेयर अनोदर एन अदर और पॉन्ड एनी पूल। तो आज के लिए तो बस दोस्तों इतना ही, अगली क्लास में हम इसको रीड करना शुरू करेंगे। जय हिंद, राधे राधे।